नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, कोरोना बेसिक महामारी से सारा देश जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में प्रतिज्ञा कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से विद्यार्थियों के हित के लिए लगाई गुहार। कहा कि विद्यार्थियों के हॉस्टल का 2 से 3 महीने का रेंट माफ किया जाए और हॉस्टलों का रेंट माफ भी हुआ है। छिंदवाड़ा में विद्यार्थियों से हॉस्टल का रेंट नहीं लिया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी विद्यार्थियों से हॉस्टल का रेंट नहीं लिया जाए। साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले टीचरों से भी उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी फीस देने में सक्षम है उसी से फीस ली जाए और जो सक्षम नहीं है उनकी फीस माफ़ कर दी जाए। जिन बिल्डिंगों में इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन बिल्डिंगों के मालिक से कहा कि वह 2 से 3 महीने का रेंट ना लें। संकट की इस घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी निरंतर चिंता कर रहे हैं। जहां सभी लोग राष्ट्र में फैली हुई महामारी के लिए खड़े हुए कदम से कदम लगा के, ऐसे ही मानवता के एक कदम में सबसे पहले मेरी हॉस्टल मालिकों से एक अपील है कि वह इन सारे बच्चों के 2 से 3 माह के रेंट की छूट करें। विभिन्न जिलों में हुई भी है, छिंदवाड़ा के कलेक्टर ने किया भी है। साथ ही स्कूल फीस माफ होनी चाहिए, कोचिंग फीस माफ होनी चाहिए। क्योंकि कोचिंग एक निजी व्यवसाय होता है, मैं तो वर्षों से प्रतिज्ञा के माध्यम से निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अन्यत्र जो हमारे साथीगण हैं वह इस कोचिंग को व्यवसाय से लेकर के अपनी जीविका चलाते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के लिए और देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, यानी दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, इन सेल्फ एम्प्लॉयिंग जो कि अपना छोटा सा व्यवसाय कर रहे हैं कोचिंग के माध्यम से, इनके भी हित को ध्यान में रखते हुए और खास करके आपके चैनल के माध्यम, समय जगत के माध्यम से एक हमारी अपील है कि ऐसे विद्यार्थी जो देने में सक्षम है वो सहयोग करें और जो देने में सक्षम नहीं है उनके लिए सरकार एक कदम मानवता की तरफ। साथ ही कोचिंग संस्थान जिन जिन बिल्डिंगों में चल रहे हैं ऐसे बिल्डिंग मालिकों से आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है कि उन्हें अधिकतम छूट प्रदान करके राष्ट्रीयता में अपने योगदान की सहभागिता करनी चाहिए। मैं पुनः समय जगत चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं। लेकिन सर, मैं इसमें आपकी बात करूंगी, जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनके पास भी जो टीचर काम कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी फीस कैसे निकल पाएगी ऐसे में? देखिए, खास करके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जो टीचर्स आते हैं वो डेली बेसिस पे आते हैं, जितने घंटे वो पढ़ाते हैं उतने घंटे का उन्हें पैसा मिलता है। तो इस समय जैसे लॉकडाउन की वजह से संस्थान बंद चल रहे हैं, तो ऐसी घड़ी में मुझे नहीं लगता कि उनको देने की आवश्यकता पड़ रही होगी। और जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस कर रहे हैं तो उनको तो इनकम हो ही रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब शिष्य को परेशानी हो तो गुरु का पहला कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य का भविष्य ध्यान में रखते हुए अपने 2 माह का वेतन भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाह रहा हूं प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, देश के मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आप सभी कोचिंग संस्थान, हॉस्टल्स, स्कूल्स, जहां जहां युवाओं से संबंधित कार्य चल रहे हैं उन सभी जगहों पर उनका किराया, उनकी फीस और उनके रहने के जो पैसे लगते हैं उनको माफ करने राष्ट्रहित में सहयोग प्रदान करें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।